22 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड कार फ्री डे के तौर पर मनाया जाता है। गुड़गांव में भी आज कार फ्री डे मनाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लोगों से अपनी गाड़ियां सड़कों पर न उतारने को कहा गया है, लेकिन सड़कों पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा। आज भी काफी कारें सड़कों पर दिख रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसे सफल बनाने के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। 400 बसों का इंतजाम आज के लिए किया गया है। इस अभियान को गुड़गांव प्रशासन, रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और निजी कंपनियों के सहयोग से शुरू किया गया है। इसमें नेस्कॉम, रागरी फाउंडेशन और रैपिड मेट्रो सहयोग दे रही है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि चुनिंदा 4 रास्तों पर लोग अपनी निजी गाड़ियां लेकर ना निकलें। इन इलाकों में सड़क पर पार्किंग करने की इजाजत नहीं है। पार्किंग करने पर चालान काटने और गाड़ी क्रेन के जरिए उठाने के इंतजाम किए गए हैं। गुड़गांव को ट्रैफिक से बचाने की इस मुहिम में कई बड़ी हस्तियां भी सहयोग कर रही हैं। खुद गुड़गांव पुलिस कमिश्नर साइकिल चलाते नजर आए। गुड़गांव पुलिस की इस पूरी मुहिम का मकसद गुड़गांव को ट्रैफिक से राहत दिलाना है। एक बस में 50 से 60 लोग सफर करते हैं। अगर ये लोग अलग अलग कारों में जाएंगे तो सोचिए कितनी कारें सड़कों पर दौड़ेंगी। यानी इस मुहिम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे प्रदूषण कम होगा। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।